स्पीकर सरदार अयाज सादिक आज कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर का फैसला करेंगे। स्पीकर ने उमर अयूब को अरकान के दस्तखत की तस्दीक के लिए बुला रखा है। कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट ने आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया है, तो इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन की लीडर की तकर्री का ये मामला है। स्पीकर अयाज सादिक आज अपोजिशन लीडर का फैसला करेंगे, तो एक अहम फैसला आज होगा। उमर अयूब अरकान के दस्तखत की तस्दीक के लिए तलब किए गए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने पार्टी पोजिशन जारी कर दी है। बात करेंगे, उस्मान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान खान, एक अहम फैसला आज होने जा रहा है कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज चूंकि स्पीकर की जानिब से ये फैसला किया गया था कि आज जो है वो तस्दीक की जाएगी अपोजिशन लीडर के लिए, और 11 बजे तलब किया गया उमर अयूब खान को, और इसी हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने पार्टी पोजिशन जो जारी किया उसमें आजाद अरकान को तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता तस्दीक किया गया, और आजाद अरकान पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान सरकारी तस्वीर में उनको दर्ज किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने आजाद अरकान को सुनी तहत कौंसल के अरकान तस्लीम करने से इनकार किया इस पार्टी पोजिशन के मुताबिक, और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट चूंकि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने की तस्लीम नहीं, और हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद जो है 226 तय की गई है। सही, बहुत शुक्रिया उस्मान।